वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। एक मुनफरिद अंदाज में हम लोग आज की रेसिपी बनाएंगे, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है हमारी रेसिपी। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज की रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो आगे मैंने इस पहले आप सिर्फ की कहानी मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएँ ताकि आप समय कोई भी वीडियो मिस ना और आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने लिया चिकन और इसकी क्वान्टिटी है 1/2 kg यानी कि 1/2 kg और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। सुबह 3 अदद हम लोग लेंगे मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ यानी कि आलू और इसे मैंने इस साइज़ में काट लिए। और 2 मीडियम साइज़ के हम लोग लेंगे अनियन यानी कि प्याज और इसको भी मैंने बारीकी से काट लिया। तो धनिया मैंने लिए, ये हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। 1 बड़े साइज़ का हम लोग लेंगे टमाटर और इसे भी काट लेंगे। और 2 यानी कि 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे लहसुन का पेस्ट। 4 अदद हम लोग ने लिए हरी मिर्चें, इन्हें भी हम लोगों ने बारीकी से काट लिए। सुबह यहाँ पर कुछ स्पाइसेज और जो कुछ किए हुए हैं सो यहाँ पे कुछ स्पाइसेज है 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर यानी कि अदरक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी यानी कि टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया पाउडर। तो इन सब चीज़ों की जरूरत होगी हमें आज से ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए।
लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।